पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। यमुनानगर में भी आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व कुलपति डॉक्टर के एल जौहर द्वारा लिखी पुस्तकों का आज विमोचन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने की, तो वहीं कई प्रदेशों के वीसी भी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए बलिदानी देने के लिए उस समय के वीरों में शौक था, वो चाहते हैं कि जो 75 साल जो देश की आज़ादी पूरी हो रही, तो आने वाले जो 25 साल हैं, जिस तरह से उस समय नौजवानों में जोश था, जब देश 100 साल पूरा करे तो बच्चों में उसी तरह का जोश होना चाहिए, उसी जोश को जगाने के लिए आज़ादी का 75वां जो है साल ये इस तरह से अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया है और यूपी की विधानसभा ऐसी पहली देश की सबसे बड़ी विधानसभा है जहां सबसे ज़्यादा विधायक हैं और सबसे पहले कैशलेस किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जहां कहीं पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की उन्होंने कहा कि जहां पहले उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए जाना जाता था, तो आज लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो है जिक्र करते हैं कि प्रदेश व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश जैसी। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। मिस्टर के एल जौहर जी जो हिस्ट्री के वाइस चांसलर भी रहे और बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए उनके दिल में एक खास जगह है। उन्होंने कई पुस्तकें पहले भी लिखी, भगत सिंह जी के ऊपर लिखी, उनके परिवार के और दूसरे लोगों के ऊपर भी कई लिखी, और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखी, और अब भी उन्होंने 101 ऐसे स्वतंत्र सेनानी जिनके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादातर समाज, उनके बारे में बहुत जो महिला स्वतंत्र सेनानी उनके बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी है। आज उसका ही इनोग्रेशन था और उसके उसमें ही मैं आज यहाँ पर आया था। मुख्य अतिथि आज उसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सर्वमान्य सतीश जी, मैं मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्रोफेसर साहब इस उम्र में भी इनके लिखने का काम जो है कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारा सौभाग्य है। और आज मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो पुस्तक उन्होंने लिखी है तो उसको हम सारी अपनी जो हमारी जितनी भी लाइब्रेरी है उन सारे हम उसको रखेंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में जानकारी दें। किसमें है पहले सुखदेव ने कहा आप हमें बिगड़े दिमाग कहते हो, हम पागल हैं, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। आप सोचिए ये 1931 मार्च की बात है, 1931 में ये जज्बा था, आप पैदा नहीं हुए थे, बहुत सारे पैदा नहीं हुए थे, और यदि आप इन तीनों किताबों का एक दबा अध्ययन कर लेंगे तो आपको 1857 से जो चिंगारी हुई और शोले में बदली 1947 तक आजादी मिली, आपको पूरे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत सख्ती के साथ उसको लागू किया है, क्योंकि जीवन में सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा, दोनों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किया। मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ, पहले इंडस्ट्रीज आती नहीं थी उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज के लिए मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी बात, तो ये आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे बाकी स्टेट्स को, बाकी लोगों को जो उत्तर प्रदेश के कुछ सीखना नहीं चाहते, आज उत्तर प्रदेश से ही सीखना, मैंने लोगों को इन्वाइट किया है कि आप आइए उत्तर प्रदेश में। सर जो ई विधानसभा के जो देश का सबसे पहले मैंने किया है, बहुत सारी विधानसभाएं कहती हैं कि किया है लेकिन सब लोगों ने पूरे रूप से नहीं किया। मैंने हर टेबल के ऊपर हमने एक टैबलेट लगाया और हर मेंबर को अलग से टैबलेट दिया। मुझे नहीं लगता कि देश की किसी भी विधानसभाओं ने उनको फिक्स किया होगा, उसका टैबलेट दिया होगा, लोग अब कर रहे हैं तो करेंगे, धीरे धीरे उस पर आगे बढ़ेंगे, ये सौभाग्य की बात है कि हमने उसमें अग्रणी भूमिका। तो सर क्या जैसे आपके प्रदेश में
शांति हुई है और आपने सिस्टम एस्टेब्लिश किया है, तो आप बाकी सारी स्टेट्स के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? स्टेट में हर उस विषय को लेकर, मैंने कहा अगर अच्छा डॉक्टर है तो समाज में उसका महत्वपूर्ण योगदान, अच्छा प्रोफेसर है तो उसका योगदान है, अच्छा टीचर है तो उसका योगदान है, अच्छा श्रमिक है तो उसका योगदान है, अच्छा व्यापारी तो उसका, समाज के हर व्यक्ति अपना रोल अदा करता है समाज के उत्थान के लिए। उस प्रकार से उत्तर प्रदेश की असेंबली भी एक नए प्रकार की, बहुत सारे नए प्रकार की जो विषय लेकर आ रही है मेंबर्स के साथ बातचीत करने का। हमारे पास बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उत्तर प्रदेश की असेंबली में, बस 18 डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल फैकल्टी से आ रहे हैं, हमारे पास 31 MBAs और BTech और MTech इंजीनियर्स हैं, हमारे पास 40 साल से कम 51 मेंबर हैं, हमारे पास वीमेन मेंबर्स हैं 47, तो सबके अलग अलग ग्रुप्स में उनका क्या योगदान हो जाता है लेजिस्लेशन के प्रति, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जिस समय जो लोग चुनकर आते हैं जनता के बीच में से, उनको अपनी उस जिम्मेवारी का एहसास होगा तो निश्चित रूप से समाज में परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर श्री केहल जौहर जो अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, जिन्होंने सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, कई महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे, उनके द्वारा देश की आज़ादी के उन दीवानों के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए विभिन्न समयों को किताब लिखी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत महोत्सव की चर्चा करी, उनके ध्यान में आया कि इस अमृत महोत्सव में मुझे कुछ पुस्तकें लिखनी चाहिए, और 3 पुस्तकें उन्होंने लिखेंगी, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सूफी अंबा प्रसाद। सूफी अंबा प्रसाद के बारे में मैंने हरियाणा में, चंडीगढ़ में मैंने लोगों से बातचीत की, लोगों को इनके बारे में मालूम ही नहीं, तो उनके लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद करके आज हमें इस स्थिति के ऊपर बनाया है कि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक के नाते से स्वाभिमान के साथ रह सकते हैं, तो उन अनसंग हीरोज को और उन ऐसे लोगों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए जो किताबों का विमोचन था जो डॉक्टर केएल जौहर साहब ने लिखी, उसके विमोचन के लिए बनाया था, मेरे लिए सौभाग्य की बात है इस महत्वपूर्ण अवसर के ऊपर उन्होंने मुझे याद किया, और इस अगस्त गैदरिंग को जिसमें बहुत सारे वाइस चांसलर थे, बहुत सारे प्रिंसिपल थे, बहुत सारे शिक्षाविद थे, बहुत सारे समाज में काम करने वाले थे, मुझे उनके दर्शन करके मेरे को ऊर्जा प्राप्त हुई है, मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। मैं डॉक्टर जौहर को और उनके सारे परिवार को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत Kamarpal ji, the guest also, the host also, function of the college, principals of the institutes, my dear friends.